हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IDM जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, इसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में। इसका ही क्रैक्ड वर्जन है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें आपको बस 30 डे का ट्रायल मिलता है, इसके बाद आपको परचेज करना पड़ता है। लेकिन ये क्रैक वर्जन है, इसमें लाइफ टाइम आपको फ्री मिल जाएगा, कोई परचेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी महंगा भी है ये। तो ये इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो ये वाली वेबसाइट है crackingpatching.com, ये वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर आप साइट पे देख रहे हो तो वीडियो के नीचे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस दोनों साइट का। ये IDM की ओरिजिनल साइट है, IDM डाउनलोड मैनेजर। यहाँ से क्या नाम है, आपको फ्री ट्रायल में जाना है एक बार, और यहाँ से एक बार एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको बाद में करेंगे, पहले हमें इसे इंस्टॉल करना है। इसका कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर नीचे आना है, क्रैक वर्जन डाउनलोड हेयर, यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। ये एड ब्लॉक ऑन करने का बोल रहा है, ऑफ कर लेते हैं एड ब्लॉक को, रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, ये वाला नहीं है, पॉपअप नहीं आना चाहिए, ये पॉपअप था। ये डाउनलोड हो जाएगी आपकी, 15 MB का है ये, तो मैंने डाउनलोड कर रखा। मैं कैंसिल कर देता हूँ इसे और इसे हटा देते हैं, एक बार मिनिमाइज करते हैं। तो ये फाइल आपकी डाउनलोड होगी। इस फाइल के अंदर आपको ये तीन फाइल्स मिलेंगी, इनको आपको बाहर निकालना है। इसके अंदर आप देख सकते हो पैच वाली और एक IDM बिल्ड वाली, ठीक है। ये वाली पैच के अंदर मिलेगी आपको, जो ये वाली फाइल है, तो इन दो फाइल्स को बाहर निकाल लेना है। और जो पहले IDM बिल्ड को हमें इंस्टॉल कर लेना है, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है जैसे आप इंस्टॉल करते हो। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर ये तो इंस्टॉल हो चुका, अब हमें पैच में जाना है। एक बार पैच करना है इसका, ये जो आएगा इसे हटा देना है, ओके मत करना, हटा देना है, कट कर देना है सीधा, और रिफ्रेश करके एक बार, और फिर पैच में जाना है हमें, पैच वाले फोल्डर में। यहाँ पर आपको 32 बिट का एक 64 बिट का मिलेगा, और यहाँ पर पासवर्ड की फाइल मिल जाएगी। पासवर्ड 123 होगा आपका, जो ये पासवर्ड मांगता। अगर मेरा 64 बिट का कंप्यूटर है तो आपका 32 बिट का भी हो सकता है, आप देख सकते हो कंट्रोल पैनल में जाकर। तो यहाँ से मैं 64 बिट वाली फाइल खोलूँगा, और इसमें आपको ये वाला मिल जाएगा 64 बिट पैच। ये वही फाइल है, अब मैं दिखा देता हूँ, ये यही वाली फाइल है जो इसके अंदर है। इसके अंदर जो ये वाली फाइल है, ये यही फाइल है पैच वाली। तो इसको अब ओपन करना है, इसको इंस्टॉल करना है। अब सिंपली जैसे IDM को इंस्टॉल किया वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है, यस कर देना है। तो गाइस, यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है, अब आपका ये लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। और अब हमें एक काम और करना है, एक्सटेंशन ऐड करना है अब हमें। अगर आप क्रोम यूज़ करते हो तो आपको क्रोम वाला एक्सटेंशन, जैसे यहाँ पर तीन एक्सटेंशन मिल जाएंगे आपको, एक गूगल क्रोम के लिए, मोजिला फायरफॉक्स के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं अभी, तो गूगल क्रोम के लिए एक्सटेंशन ऐड कर देंगे हम। यहाँ पर एक्सटेंशन वाले पेज पर आ जाओगे आप, और ऐड टू क्रोम यहाँ पर आपको कर देना है, चेकिंग करेगा, ऐड एक्सटेंशन करना है। और यहाँ पर चेकिंग हो रही है, रिमूव, ये हो गया है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक्सटेंशन फॉर गूगल क्रोम हैज बीन एडेड, और क्लोज पेज कर देना है, और इस पेज को क्लोज कर देना। ये आपका काम हो गया, यहाँ पर आपका पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप फायरफॉक्स या दूसरा ब्राउजर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ। जैसे पीछे जाएंगे हम, जो ये वाली साइट है इस पर आपको जाना है। जैसे आप एज ब्राउजर यूज़ करते हो तो इसमें हमें इसी साइट पर जाना है, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसी साइट पर जाना है, फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। आप एज यूज़ कर रहे हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज वाले पर क्लिक करना है, यहाँ पर एज एडऑन्स वाले पेज पर ले जाएगा ये आपको। ये पहले से ही ऐड है, अगर आपको ये ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, मेरा पहले से ही ऐड है, तो
यहाँ से भी हो जाएगा। अगर आप फायरफॉक्स यूज करते हो तो फायरफॉक्स में आपको फायरफॉक्स वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, यहाँ पर मौजूदा फायरफॉक्स का भी है। तो गाइज ऐसे आप कर सकते हो। इस एक्सटेंशन के कई फायदे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर आप कोई आपका कोई डाउनलोड है वो बीच में अटक जाता है, कई बार क्या होता है इंटरनेट चला जाता है, तो बाकी क्रोम में क्या होता है उसको आप रिज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप रिज्यूम कर सकते हो, आसानी से रिज्यूम कर सकते हो, उसका रिफ्रेश कर सकते हो पूरा जो URL होता है उसका। और अगर आपको यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, आपके पास इंटरनेट अभी है, बाद में नहीं होगा, आपको बाद में देखनी है या डाउनलोड करके रखनी है, कोई बड़ी वीडियो है आपको 4K में देखनी है लेकिन स्पीड उतनी नहीं है लेकिन नेट बहुत सारा है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हमें ये वाली वीडियो डाउनलोड करनी है, तो अगर आपने एक्सटेंशन ऐड किया होगा, यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड दिस वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सभी क्वालिटी आ जाएगी, 4K क्वालिटी तक अवेलेबल है। आप देख सकते हो वीडियो की सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर ये 4K क्वालिटी तक अवेलेबल है, और 4K क्वालिटी तक ही आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और जैसे आपने 4K पर क्लिक किया तो आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा डाउनलोड इन्फो वाला, ये खुलकर आ जाएगा। और यहाँ से आपको स्टार डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, 3 GB की आपकी जो मूवी है। इसमें क्या होता है कि YouTube पे तो आपको कम स्पीड दिखेगी, जैसे आप Google Drive वगैरह से डाउनलोड करते हो, कोई मूवी डाउनलोड करते हो हमारी वेबसाइट से, तो क्या होता है कई बार क्रोम में 2 MB से ऊपर स्पीड जाती नहीं। मेरा वाईफाई लगा हुआ है, क्रोम से अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, जो क्रोम का इनबिल्ट डाउनलोड मैनेजर होता है उससे अगर डाउनलोड करता हूँ तो 2 MB से ऊपर स्पीड जाती नहीं, और इससे डाउनलोड करता हूँ तो 4 MB से ऊपर स्पीड चली जाती है। 4 MB का ही पैक है मेरा, 4 MB से ऊपर स्पीड चली जाती है इससे, तो इसका एक यह फ़ायदा रहता है। और अगर आपकी डाउनलोड बीच में अटक जाए तो आप लिंक को रिफ्रेश कर सकते हो। बाकी मैंने आपको डाउनलोड करने वाली वीडियोज में बताया हुआ है, जिस जो साइट पर और भी वीडियोज हैं, ट्यूटोरियल वीडियोज, उन्हें आप देख सकते हो और जानकारी के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।